इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जो कि अभी हम गांधी मैदान में खड़े हैं, ये सजकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरा गांधी मैदान सजकर तैयार है। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त की, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करेंगे। लेकिन कोरोना काल में जैसे कि पूरा देश पीड़ित है, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफ़ी सादगी थी नज़र आएगी। यहाँ पे कई ऐसे वरीय अधिकारी भी इस बार प्रोग्राम में नज़र नहीं आएगी, कई ऐसे नेतागण भी इस बार नज़र नहीं आएगी। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज झांकियां निकाली गई थी, जो कि रिहर्सल झांकियां निकाली गई थी, जिसमें पटना डीएम कुमार रवि, पटना आयुक्त प्रबंधक संजय अग्रवाल और पटना SSP उपेंद्र शर्मा कुछ जायजा लिए हैं। ये 15 अगस्त को लेकर कुमार डीएम पटना रवि ने कहा है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस सादगी से मनाई जाएगी, जहां लोग सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए मास्क पहनकर ही झंडोत्तोलन में शामिल हो गए। और कई ऐसे लोगों से आग्रह भी किए हैं कि वो घर पे ही टीवी के जरिए, टेलीकास्ट के जरिए झंडोत्तोलन का उत्साह ले पाएंगे इस बार गांधी मैदान में। इस बार झांकियां भी कोरोना को लेकर नहीं निकाली जा रही है। वहीं हम बात कर रहे हैं पटना की, तो 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री CM के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा और बड़ी ही सादगी से झंडोत्तोलन किया जाएगा। और आपसे भी हम अनुरोध करते हैं कि ओंकार आवामी की टीम भी करती है कि इस बार घर में रहें, सेफ रहे, और झंडोत्तोलन के दिन अगर आप गांधी मैदान में आ रहे हैं तो अपने सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए मास्क पहनकर ही झंडोत्तोलन में शामिल हो। पटना से मदन कुमार के साथ विवेक रॉय, ओंकार आवामी पटना।